वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं मोहम्मद हादिस हाइपर वी के प्रैक्टिकल के साथ हाजिर हैं। गाइस, लास्ट वीडियो तक आपने ये जाना कि हम हाइपर वी का जो एरर था वीएमवीआर में, उसे फिक्स करने के बाद उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के बाद इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वर्चुअल मशीनें हम अपने हाइपर वी कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल करवा सकें। तो विंडोज सर्वर 2012 जो था, जिस सर्वर पर हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल किया, ये वही था कि जस्ट प्रॉपर शट डाउन है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके चंद सेटिंग्स करते हैं। जैसे इसकी मेमोरी जो है वो 2GB है, हम इसको 4GB तक करते हैं। तो एडिट वर्चुअल मशीन पर आए, मुमकिन है कि हम जो इसकी रैम है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, 4GB तक हम ले आते हैं। और यहाँ पर जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो 20GB का पार्टीशन है, हम ऐड करते हैं एक और पार्टीशन लाते हैं 20GB का, क्योंकि वर्चुअल कंप्यूटर्स हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें उसमें हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत होगी। तो हार्ड डिस्क पे आने के बाद हमने नेक्स्ट किया, स्कजी फिर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से स्टोर करते हैं। और मैंने कहा एक 20GB का पार्टीशन मजीद हो, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं। यहाँ से तमाम दोनों चीज़ें दुरुस्त होने के बाद यहाँ पर हो गया। और विंडोज सर्वर 2012 जो नाम है, इसको राइट क्लिक करके सेटिंग्स पर आते हैं गाइस, और ऑप्शन में से आके इसे, ताकि हमें आसानी से याद रहे, हम यहाँ लिख लेते हैं हम हाइपर वी। ओके करते हैं। करने के बाद कहाँ क्लिक करते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि एक रोल हमने जो लास्ट वीडियो तक इंस्टॉल किया था हाइपर वी का, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम यहाँ क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पर आए हाइपर वी मैनेजर पर, तो आप देख सकेंगे कि हम वर्चुअलाइजेशन जो है कंप्यूटर्स को वो संभाल सकते हैं। उसका जो एक मैनेजर है हाइपर वी मैनेजर, वो हमारे सर्वर पर नजर आ जाएगा। अच्छा, एक तो हमारे पास हाइपर वी मैनेजर है जो टेब ऊपर आई हुई है, उसके नीचे एक है हाइपर वी डैश सर। बेसिकली ये जो है ये हमारे मेन कंप्यूटर का नाम है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कीबोर्ड से स्टार्ट पाउस ब्रेक का बटन दबाएं, यानी हम माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पर आएं, तो आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या है, हाइपर वी डैश सर्वर। ठीक है जी, हमने यहाँ से इसको कैंसिल किया, यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। एक मिनट ये जायजा लेते हैं स्टार्ट ई करके कि माई कंप्यूटर के अंदर इसमें कितने पार्टीशन शो हो रहे हैं। तो बेसिकली अभी इस वक्त 20GB है जो कि सी है। तो हम कहाँ पर आते हैं, स्टार्ट पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट, और जो दूसरी हार्ड ड्राइव हमने अटैच करी है वो यहाँ से हमें राइट क्लिक करके ऑनलाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, और इसका वॉल्यूम जो है वो हम शामिल करते हैं। राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि दूसरा पार्टीशन भी हमें अब नजर आ रहा है, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। करने के बाद गाइस, अब जो चीज हमें जरूरत है, हम जो हाइपर वी है गाइस, वर्चुअल मशीन जो बेसिकली वीएमवीआर की मशीन है, उस वीएम पे सेटिंग्स पर आते हैं, और हमें यहाँ एक आईएसओ चाहिए होगी। तो समझ लें आप सीडी एक लगा लें, या एक आईएसओ की फाइल आप पुट करवा लें, यहाँ से ब्राउज करवा लें। हमने ऑलरेडी ब्राउज करवाई हुई है, सर्वर 2012 R2 ओपन करते हैं, ओके करते हैं, और कीबोर्ड से स्टार्ट ई करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर समझ लें हमने एक DVD शामिल रखी है, जो विंडोज 2012 की DVD है। और यहाँ पर हम आते हैं हाइपर वी पर, राइट क्लिक करते हैं, हाइपर वी मैनेजर के अंदर आके अब इंस्टॉलेशन की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। हाइपर वी सर्वर आ रहा है गाइस। अब यहाँ से हमने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और पहला ऑप्शन आता है वर्चुअल मशीन, यानी हमें एक नई मशीन बनानी है। हमने क्लिक करा, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, वो पूछ रहा है आपकी मशीन का नाम क्या है, हम नाम दे देते हैं, हम इंस्टॉल करने वाले विंडोज सर्वर 2012 R2। और अगर कोई लोकेशन हमारी डिफरेंट जगह पर है तो वो भी हम स्पेसिफाई करवा सकते हैं। फिलहाल हम नई मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने नाम लिख के सिंपल नेक्स्ट किया, और यहाँ से जो जनरेशन है उसे 1 ही रहने दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे मांग रहे हैं वो रैम। तो बेसिकली ये स्टार्टअप रैम है जो आप वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं, ये उसकी मेमोरी है, यानी रैम है। इस मेन कंप्यूटर के अंदर हमने 4GB रैम लगाई हुई है, तो इस कंप्यूटर को हम मिनिमम 2048 यानी 2GB रैम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं नीचे चेक लगा दूँ यूज डायनेमिक मेमोरी, यानी उसे 2GB से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़े तो वो खुद से अपने पास से डायनेमिकली असाइन कर ले। फिलहाल हमने डायनेमिक पे चेक नहीं लगाया, और बाज़ औक़ात यहाँ पर क्या करता है, एरर भी जनरेट कर देता है, क्योंकि 512 से 800 MB के दरमियान आपको स्पेसिफाई करवाता है। बस आपने कोशिश ये करनी है जो मेन कंप्यूटर है उसकी प्रॉपर्टीज चेक करें, तो कम से कम वहाँ आपके पास 4GB रैम होनी चाहिए। इसको क्लोज करने का 2048 लिख के हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से पूछता है कॉन्फिगर नेटवर्किंग। बेसिकली नेटवर्किंग क्या है, इसको आप नॉट कनेक्टेड पर लगे रहने दें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कम्प्लीटली कि वर्चुअल कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क्स हैं उन्हें हम कैसे मैनेज करें और कैसे हम इस्तेमाल करवा सकेंगे। फिलहाल हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, आपसे यहाँ ये कन्फर्म किया जाएगा
कि आप जो पार्टीशन जो वर्चुअल कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं उसकी हार्ड ड्राइव कितनी देना चाहेंगे और बेसिकली उसकी लोकेशन कहाँ होगी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट ई करते हैं, हम माई कंप्यूटर पर आते हैं। ई ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया विंडोज सर्वर 2012 के नाम से। सेम ऐसे ही गाइस जैसे हमने VMware के अंदर प्रैक्टिकल किया था वैसे हाइपर वी का है, लेकिन अब की दफा हम तमाम काम विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर खड़े होकर इंस्टॉलेशन के लिए करवा रहे हैं। तो विंडोज सर्वर 2012 R2 ई ड्राइव के अंदर हमने फोल्डर क्रिएट करा, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इसे लोकेशन बताते हैं, हम बेसिकली ब्राउज करते हैं और हमने कहा डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर पर आइए। ई ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है विंडोज सर्वर 2012 का, इसके अंदर आपने तमाम फाइल्स सेव करनी है। हम सिलेक्ट फोल्डर करते हैं, हमारे पास जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई हो गई। नीचे वो पूछ रहा है आपने हार्ड ड्राइव की लोकेशन बतानी है, तो हमने हार्ड ड्राइव की लोकेशन में इनको बता दिया मिनिमम 20 GB। ठीक हो गया, विंडोज सर्वर 2012 है, 20 GB आप उसमें मैक्सिमम इस्तेमाल करें। और अब आप देख सकते हैं गाइस हाइपर वी 64 TB तक सपोर्ट करता है फिलहाल हमने यहाँ से। अच्छा, और भी मजीद ऑप्शंस हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क लगी है उससे आपने बताना है, यानी जो सेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क कॉन्फिगर्ड होते हैं वो, या इसके अलावा है अटैच अ वर्चुअल हार्ड डिस्क लेटर बाद में चाहते हैं तो वो भी सही है, लेकिन अभी हमने हाथ के हाथ सेटिंग कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट किया गाइस, करने के बाद वो पूछ रहा है कि इस हार्ड ड्राइव के अंदर ये जो अब तक आपने सेटिंग करी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो कहाँ से आएगा। या तो आप इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर टिक लगाने के बाद ISO फाइल बता दें, या आपने जो DVD कंप्यूटर्स में प्लग करी हुई है जो कि आपकी डी ड्राइव या ई ड्राइव है, जो भी DVD ROM है उसे आप स्पेसिफाई करवा के नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये तमाम इंस्टॉलेशन आपको डिटेल्स बता रहे हैं कि विंडोज सर्वर 2012 आपने R2 नाम रखा उसका, मेमोरी आपने 2 GB दी, कनेक्टिविटी जो नेटवर्क की है वो आपने नहीं दी, ये हार्ड डिस्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ब्ला 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 तमाम चीजें आपको यहाँ पर बताएगा। नेक्स्ट फिनिश करते हैं हम। करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस सर्वर के अंदर एक विंडोज सर्वर जो हमने अभी कॉन्फिगर किया वो ऑप्शन आ चुका है, और उसके अंदर क्या है स्टेट जो है इसका ऑफ है। अच्छा, एक बात यहाँ पर जानते हैं, यहाँ देखिएगा आपके यहाँ पर उसकी समरी आ रही है, बेसिकली मेमोरी पर क्लिक करें तो मेमोरी आ गई। आप देख सकते हैं कि हमने इसको मेमोरी कितनी दी हुई है, मिनिमम 2 GB दी है। नेटवर्किंग के हवाले से जो डिटेल्स हैं A to Z वो हमारे इस सर्वर पर क्लिक करने के बाद, यानी इस सर्वर पर मैंने क्लिक करा हुआ तो इसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर मौसूल हो रही है। नीचे रेप्लिकेशन पर आते हैं तो हाइपर वी के जो एडवांस टॉपिक्स हैं उसमें रेप्लिका वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल कहने का मकसद ये कि तमाम A to Z डिटेल्स आपके नीचे वाले टैब पर आ रही है जो मशीन आपने यहाँ सेलेक्ट करी है। अच्छा, अब इस पर राइट क्लिक करके पहले तो इसको कनेक्ट कर लें। बेसिकली कनेक्ट का मतलब ये है कि आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो वर्चुअल कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अच्छा, ये जो कंप्यूटर है इस वक्त टर्न ऑफ है, यानी बंद है। इसको पावर ऑन करने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें, देखें स्टेटस जो है वो रनिंग है और स्टार्ट क्या हो गया, सक्सेडेड है। तो बेसिकली देखें आप हाइपर वी की पहली मशीन हमने कॉन्फिगर की और वो अब स्टार्ट हो रही है। अच्छा, यहां तक तो स्टार्ट होने की वजह यह कि अभी सर्वर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूं तब भी कोई इशू नहीं है, बेसिकली सर्वर जो हमारा है वो रन हो रहा है। आप देख सकते हैं स्टेट जो है वो रनिंग पर है, उसका CPU यूजेज भी हमें बताया जा रहा है कितने फीसद वो इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप यहाँ देखें स्क्रीन पर नीचे समरी पर तो वो बता रहा है कि आपसे कुछ वहाँ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, यानी जो सर्वर काम कर रहा होगा वो नीचे तमाम उसके स्नैपशॉट या समरी वीडियो की शक्ल में आ रही होगी, तो उस पर आपने डबल क्लिक करें डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं गाइस, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, बेसिकली सर्वर इंस्टॉल करते हैं। वर्चुअल मशीन यानी VMware के अंदर सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस सर्वर के अंदर भी हम वर्चुअल सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो वर्चुअलाइज टेक्नोलॉजी है और ये फैक्ट है हमारी मेहनत का जो शुरू से लेकर अब तक हमें और आप मिलकर चल रहे हैं, जिसके बावजूद हम इतने सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप दूसरा ऑप्शन है विंडोज सर्वर 2012 सर्वर विद GUI मॉड, हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ स्टैंडर्ड वाला करना है। नेक्स्ट करते हैं गाइस, कस्टम पे क्लिक करके पार्टीशन शो कराते हैं जो उसको हार्ड ड्राइव हमने बताई थी, न्यू पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, पार्टीशन भी क्रिएट हो गया 19.some GB का। नेक्स्ट करने के बाद वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं,
Alright, server installation के बाद अब हमने यहाँ requirement है password as usual server पर होता है Windows 2012 W capital IN 2012 enter करते हैं settings को finalize करने के बाद आप देख सकेंगे हमारे पास जो virtual computer है उसके screen appear होगी Alright guys, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि control alt delete तो हम करने से नहीं रहे तो क्योंकि ये virtual की virtual computer है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं keyboard की शॉर्ट कमांड्स बनी हुई है जिसका कंट्रोल अल्ट डिलीट बता रहा है अगर यहाँ क्लिक करें तो स्क्रीन वैसे हो गई या हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और एंड का बटन प्रेस कर लेते हैं अच्छा यहाँ पर आते हैं इसको लॉगिन करते हैं सर्वर को और इसे प्रॉपर तौर पर शट डाउन करते हैं अच्छा शट डाउन करने के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर ही हमारे पास जो टैब है यहाँ पर तमाम बटन से टर्न ऑफ शट डाउन हमने शट डाउन पर क्लिक करा मैंने कहा शट डाउन कीजिए और उसूलन होगा क्या ये प्रॉपर मशीन शट डाउन होगी यानी हाइपर वी के अंदर ऐसा नहीं है कि हमने शट डाउन पर क्लिक करा तो मशीन बिल्कुल ही फौरन उसको झटका लग गया वो अचानक बंद हो गई नहीं उसे प्रॉपर शट डाउन किया जाएगा शट डाउन बता रहे सक्सेडेड हो गया इसको यहाँ से कैंसिल कर देगा इस करने के बाद देखिए इस पर राइट क्लिक करा हमने और यहाँ से सेटिंग्स पर आते हैं अगर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तमाम वही हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हैं जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास वर्चुअल कंप्यूटर्स में होती हैं अच्छा यहाँ से बायोस आ गई BIOS के ऑप्शंस हैं कि लेगेसी नेटवर्क अडाप्टर है फ्लॉपी से करना है CD से यानी उसे अप टू डेट करना है या मूव करवाना है मेमोरी पर आ जाए मेमोरी हमने स्टार्टअप रैम इसको 2048 यानी 2GB दी हुई है मैं आपको मशवरा दूंगा डायनेमिक मेमोरी यूज़ कीजिएगा कम से कम 512 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2048 यानी 2GB हो यानी जैसे जैसे इसको ज़रूरत पड़ेगी मैक्सिमम जो है वो 2GB होगी और सबसे कम जो होगी वो 512 हमारे पास MB रैम इस्तेमाल की जाएगी हमने अप्लाई कर दिया ये जो रैम की सेटिंग है ये ज़्यादा बेहतर है और प्रोसेसर की आप देख लें यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बता रहे हैं हार्ड ड्राइव के मुताबिक आ जाए तो हार्ड ड्राइव में आपको बता रहा है आईडी कंट्रोलर है स्कजी लगाना है स्कजी लगा लीजिए और उसकी जो लोकेशन है वो बताई जा रही हमें और इसके अलावा बहुत सारी लोकेशन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DVD ड्राइव हमारे पास कौन सी लगी हुई है फिजिकल DVD ड्राइव हमने अटैच करी हुई ड्राइव डी नेटवर्क अडाप्टर पर आते हैं गाइस नेटवर्क अडाप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि अभी एक ही हमें शो करा रहा है गीगाबिट नेटवर्क कनेक्शन इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक छोटी सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे हाइपर वी नेटवर्क के बारे में और उसके बाद वर्चुअल मैनेजर जो स्विचेज हैं इनके उसके ऊपर जरा हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हाइपर वी वहीं पर हम खत्म यानी अख्ताम करेंगे तो ये तमाम बातें हैं हाइपर वी की जो कि वर्चुअलाइजेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी है हाइपर वी बेस्ट है आने वाले टाइम के अंदर जो अच्छे वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करने वाले कंप्यूटर्स हैं और जो सर्विसेज हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे वो बदौलत हाइपर वी है ये बात हमने अच्छे से थ्योरी में जान ली थी तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हों और रही बात गाइस इसी में एक और ऑप्शन है चेक पॉइंट का ये जो सर्वर है अगर मैं सर्वर के अंदर कनेक्ट करके यहाँ से इसको पावर ऑन करूँ फॉर एग्जाम्पल और यहाँ से हम कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट एंड का बटन दबाते हैं और सिस्टम को लॉग इन करते हैं इसमें भी एक स्नैपशॉट का ऑप्शन होता है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जबान में हम उसे चेक पॉइंट कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश है इस वक्त कंप्यूटर ना इसमें IP डली हुई है ना इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क कोई कनेक्टेड है ना इस सर्वर का हमने नाम चेंज किया कुछ भी नहीं किया हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं यानी सर्वर रन कर रहा है हमने इसकी टैब क्लोज करी आप राइट हैंड पे देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है नीचे आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन है चेक पॉइंट का चेक पॉइंट से मुराद स्नैपशॉट है अभी जो सर्वर हमारे पास चल रहा है उसी हालत के अंदर अगर आपने उसका स्नैपशॉट लेना हो तो माइक्रोसॉफ्ट की जबान में स्नैपशॉट को चेक पॉइंट कहते हैं और आपने क्या करना है सिंपल चेक पॉइंट पर क्लिक कर देना है थोड़ा टाइम दरकार लेगा थोड़े टाइम के बाद आप देख सकेंगे हमारे पास यहाँ चेक पॉइंट्स के अंदर एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी और ऐसा ही हुआ तारीख के साथ वक्त आ गया और उसमें हमारे पास सर्वर का स्नैपशॉट आ चुका है अच्छा नीचे क्या आ रहा है हमारे पास नाउ यानी अभी आपका सर्वर किस लोकेशन पे हम सर्वर पर डबल क्लिक करते हैं यानी कनेक्ट करवाते हैं और यहाँ से डेस्कटॉप पे जरा इसके चंद फोल्डर्स क्रिएट करवाते हैं हम डेस्कटॉप पर आए कंट्रोल शिफ्ट एन के बदौलत से हमने चंद फोल्डर्स क्रिएट करे और यहाँ से इसको क्लोज किया एक काम और करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है चेक पॉइंट का चेक पॉइंट पे क्लिक करते हैं ऑलराइट दूसरा जो स्नैपशॉट हमने लिया था वो फोल्डर्स के साथ था तो इसको राइट क्लिक करने के बाद हमने क्या किया रिनेम और यहां लिख लेते हैं विंडोज सर्वर विन सर्वर विथ फोल्डर्स और जो ऊपर वाला था गाइस वो बिल्कुल फ्रेश था तो रिनेम करके इसका नाम क्या रख लेते हैं हम फ्रेश अब अगर हम सर्वर पर आए तो यहाँ पर हमारे पास फोल्डर्स बने हुए अगर मैं फ्रेश करवाना चाहूँ जैसे स्नैपशॉट के अंदर होता था इसको क्लोज करने के बाद हमने क्या करा राइट क्लिक करते हैं फ्रेश पर और मैंने कहा सेटिंग को अप्लाई कर दें अप्लाई पर क्लिक करा
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले फ्रेश वाला सर्वर था वो है जिसके अंदर कोई डेस्कटॉप पर आइकन या फोल्डर मौजूद नहीं था। ठीक है, यहां से इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम जायजा लेते हैं उनका जिसपे हमने फोल्डर्स क्रिएट करे थे। तो इस पर राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और यहां से मैंने कहा जो चेक पॉइंट है जस्ट वहां तक आप मुझे ले जाएं, जो अभी है भले वो लॉस्ट कर दें। हमने अप्लाई करा, आप देख सकेंगे कि तमाम स्टेटस हमें यहां बताएगा ऊपर वाले सर्वर वर्चुअल मशीन्स के मैनेजर पर। और आप देख सकते हैं स्टेटस क्या है, सेविंग चल रहा है। रीस्टोर होने के बाद हमने डबल क्लिक करते हैं वापस, और आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें वो फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली गाइस, हमने इस पूरी वीडियो में इस वाले में हाइपर वी मैनेजर को ओपन करने के बाद उसमें सक्सेसफुली हमने पार्टीशन क्रिएट करके वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करवाई, और उसके बाद उसे हमने स्नैपशॉट्स लेने जाना। स्टार्ट ई करने गाइस, करने के बाद आप देखेंगे जो दूसरा पार्टीशन हमने उसको बताया था, जो फोल्डर हमने सबसे पहले विंडोज सर्वर 2012 का इस कंप्यूटर में बनाया हाइपर वी में जो हमने इस्तेमाल करना था, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर एक हार्ड ड्राइव शो करा रहा है। अगर हम व्यू पर आगे लार्ज आइकन करें तो आपको वाजह नजर आएगी, ये दोनों वर्चुअल कंप्यूटर्स के हवाले से आइकन्स आ गए, और ये जो है ये उसकी हार्ड ड्राइव इस्तेमाल हो रही है। अगर हम प्रॉपर्टीज पर आएँ तो बिल्कुल अभी 20 GB तक हमने इसको लिमिट दिए, और अब तक के मुताबिक ये 7 point something GB अब तक इंस्टॉल हो चुके हैं इसमें। तो क्लोज करते हैं, यानी हमने ये अच्छा काम किया था कि अलग से पार्टीशन ले लिया। सी के ऊपर बटन आपने नहीं डालना कोशिश करनी है, क्योंकि सी अगर डाउन हो गया तो बेसिकली हमारा जो होस्ट कंप्यूटर है वो ही बैठ जाएगा। तो आपने ख्याल ये रखना है कि नेक्स्ट पार्टीशन के अंदर इसे इस्तेमाल करना है। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो हाइपर वी की लास्ट है, जिसमें हम जानेंगे कि वर्चुअल स्विच मैनेजर साथ हम जो उसके स्विचेज हैं उन्हें हम कैसे मैनेज कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं उस वीडियो में। यहाँ तक प्रैक्टिकल कीजिए, अपना ख्याल करें। फी अमान अल्लाह।